our online class which is organized by Krishna Memorial High School. Class 3, subject GK, chapter 38 और 39. मैं आज आप लोगों को GK पढ़ाने जा रही हूँ. आप लोग अपने अपने बुक निकालिए और मेरे साथ पढ़िए, समझिए. 38 chapter, Being's Good. Ravi's class teacher asked him to prepare a chart for the class showing how to be good. Ravi made the chart, but some word need to be filled in it. Ravi की class teacher ने कहा, एक chart तैयार करने के लिए जो chart दिया गया है, तो उसके लिए हम लोगों को हेल्प लिस्ट की आवश्यकता पड़ेगी. तो हेल्प लिस्ट को देखकर आप वो चार्ट को तैयार कीजिएगा. फिल दिस वर्ड विथ द हेल्प ऑफ हेल्प लिस्ट. बी, हेल्प योर पेरेंट्स. फॉलो रूल इन द स्कूल. लिसन टू द एल्डर्स. हेल्प योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का मदद करना चाहिए. रूल्स को फॉलो, रूल्स इन द स्कूल, रूल्स को, स्कूल के रूल्स को हम लोगों को फॉलो करना चाहिए. लिसन टू द एल्डर्स, और अपने बड़ों की बातें को सुनना चाहिए. तो क्या होगा, ये सब क्या हुआ, आज्ञाकारी, मतलब आज्ञा का पालन करना चाहिए. तो हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, बी ओबीडिएंट. क्या, बी ओबीडिएंट. जो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें ओबीडिएंट भरना है. दो नंबर, बी मस्ट फॉलो डैश रूटीन. गो टू बेड अर्ली, हमें जल्दी जाना चाहिए बिस्तर पर. स्टडी रेगुलरली, पढ़ाई रेगुलरली करना चाहिए. हैव प्रॉपर मील्स, और सही भोजन करना चाहिए. बी मस्ट फॉलो अ डैश रूटीन, मतलब क्या, ये सब रेगुलर होगा. क्या है, ये रेगुलर होता है, रोज होता है, इसलिए इसमें रेगुलर रूटीन हो जाएगा, भरेंगे हम लोग. तीन नंबर, बी मस्ट बी डैश गेट रेडी ऑन टाइम फॉर स्कूल, सही समय पर स्कूल के लिए तैयार होना चाहिए. डू नॉट रीच स्कूल लेट, और हमें स्कूल के लिए देरी नहीं होना चाहिए. सबमिट होमवर्क ऑन टाइम, समय पर हमें होमवर्क को सबमिट करना चाहिए. तो क्या होगा, पंक्चुअल, समय का यहाँ पर भरेंगे, बी मस्ट बी पंक्चुअल. उसके बाद बी डैश एंड डैश टेकिंग बाथ, ब्रशिंग टीथ, ब्रशिंग द टीथ, कमिंग हेयर, नहाना चाहिए. ब्रशिंग टीथ, ब्रशिंग द टीथ, दांतों को साफ करना चाहिए. कमिंग हेयर, बालों को संवारना चाहिए. किससे, क्या होगा, बी नीट एंड क्लीन होगा. क्या होगा, नीट एंड क्लीन, साफ और सुथरा. इसके बाद हम लोग 39 चैप्टर, स्कूल रूल्स, स्कूल का नियम. There are certain rules that must be followed in school. Choose from the clue given in the box to complete is the rules correctly. यहाँ पर दिया हुआ है बॉक्स में, हम लोग को इस साइड में देखिए, बॉक्स में दिया हुआ है, यहाँ से चूज करके आपको यहाँ पर लिखना है. तो क्या है, पहले में देखिए, you should always bring the things. हम लोगों को चाहिए कि हमेशा सभी चीजें ले जाना चाहिए. तो इसका क्या होगा, एक नंबर देखिए, यू नीड फॉर ईच लेसन. जो हम लोग लेसन तैयार करेंगे उसके लिए हमको सभी चीज लेकर जाना चाहिए. ठीक है, हो गया. दो नंबर देखिए, यू शुड टॉक टू अ टीचर, हमें शिक्षक से बातें करना चाहिए. तो दो नंबर, अबाउट एनी वन वर्लिंग और ट्रेवलिंग यू, बिना आवाज के और यू मस्ट नॉट रन, नहीं दौड़ना चाहिए. कहाँ पर नहीं दौड़ना चाहिए, इन द कॉरिडोर और ऑन द स्टेयर्स. कहाँ नहीं दौड़ना चाहिए, इन द कॉरिडोर और नो द स्टेयर, सीढ़ी पर और जो हमारे छत के ऊपर जो नहीं घेरा हुआ रहता है उस जगह नहीं दौड़ना चाहिए. यू मस्ट नॉट ब्रिंग, हमें नहीं लाना चाहिए.
ठीक है। सेवन नंबर में क्या है, हमें नहीं लाना चाहिए मोबाइल फोन, मोबाइल फोन्स टू क्लास, क्लास में मोबाइल फोन नहीं लाना चाहिए। यू शुड नॉट लीव द स्कूल, स्कूल नहीं नहीं मतलब छोड़ना चाहिए, देरी से जाना चाहिए, ठीक है। एट नंबर ड्यूरिंग स्कूल आवर, समय पर सही समय पर हमें स्कूल जाना चाहिए। ऑल द रबिश मस्ट बी पुट इन टू, और जो हमें क्या करना चाहिए, सभी जो रबिश चीज होते हैं उसे हम लोगों को फेंकना चाहिए। कहाँ, द वेस्ट वेस्ट पेपर बास्केट, उस बास्केट में फेंकना चाहिए। यू मस्ट अराइव बिफोर, और हमें पहुंचना चाहिए पहले, क्या है हमें पहुंचना चाहिए पहले, द बेल रिंग, जब स्कूल हम पहुंचते हैं तो बेल रिंग के पहले पहुंचना चाहिए, जो घंटी बजती है स्कूल में उससे पहले पहुंचना चाहिए। तो अब आप लोगों को 38 और 39 दोनों चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप लोग अपना अपना SW कॉपी में कीजिएगा, बुक में भी कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।